से नागिन के नए सीजन की चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही है। हर कोई इस बात को जानने के लिए सबसे ज्यादा बेकरार है कि आखिर नागिन 6 में इस बार कौन सी एक्ट्रेस नागिन बनकर धमाल मचाने आ रही है। पर जब से एकता ने इस बात का जिक्र किया कि उनकी नई नागिन का नाम एम अक्षर से शुरू होता है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्ट्रेस महिमा मकवाना के नाम की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अब महिमा के साथ साथ नागिन सीरीज के ही हिट नागिन मौनी रॉय के नाम का भी डंका बजना शुरू हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि मौनी के नाम के शुरुआत भी एम अक्षर से होती है, लिहाजा महिमा के नाम के बाद अब एक बार फिर से नागरानी की वापसी को लेकर फैंस बेकरार हो उठे हैं। आपको बता दें कि मौनी के नाम की चर्चाएं इसलिए भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि मौनी नागिन 1 और 2 में मेन लीड में नजर आई थी। मौनी ने ही इस शो की सबसे पहले बागडोर अपने हाथ में संभाली थी, साथ ही सीजन 3 में भी उन्होंने कैमियो किया था। सीजन 3 के बाद से लगातार मौनी रॉय और नागिन सीरीज को पसंद करने वाले फैंस मौनी की वापसी की मांग कर रहे थे, लेकिन ना तो मौनी चौथे सीजन में दिखाई दी और ना ही पांचवें सीजन में, और ये वो 2 सीजन थे जिनकी TRP सबसे ज्यादा खराब रही थी। ऐसे में मौनी को लेकर जिस तरह से बस देखा जा रहा है और जो नागिन के पिछले 2 सीजन का हश्र हुआ है, उसे देखते हुए शायद एकता नागिन 6 को बम्पर हिट बनाने के लिए नागरानी मौनी की वापसी करवा ही दे, और शायद मौनी के नाम का ही इशारा उन्होंने बिग बॉस में दिया हो। आपको बता दें कि एकता पिछले 1 साल से नागिन 6 की तैयारियों में जुटी हुई है, और बिग बॉस 15 के मंच पर एकता ने ये ऐलान भी किया था कि नागिन 6 के लिए एक नागिन का चुनाव तो उन्होंने 1 साल पहले ही कर लिया था। ऐसे में हो सकता है कि मौनी ही इस बार नागिन सीरीज की डूबती नैया को बचाने नागिन 6 में आ रही हूँ। हालांकि नागिन 6 की नागिन के नाम की ऑफिशियली कंफर्मेशन का इंतजार सभी को रहने वाला है। आप ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि एकता के एम नाम के पीछे मौनी का ही नाम है। शेयर कीजिए अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।